हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, लेबर रूम के लिए बहुत सारी दवाइयाँ लेकर आया हूँ। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं बताऊंगा लेबर रूम में कौन से इंजेक्शन यूज़ होते हैं, किस इंजेक्शन का क्या काम होता है, कैसे यूज़ करना होता है इन इंजेक्शन्स को। पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ आप लोग को। स्टार्ट करता हूँ गाइस। सबसे पहला जो हमारा इंजेक्शन आता है सिंटोसिन इंजेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित ब्रांड है, आपको मार्केट में सिंटोसिन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, 10 IU इसके, देखो अभी पहले ये डिस्कस करते हैं इसका यूज़ क्या है। देखो ये लेबर रूम के अंदर होता है, लेबर रूम के अंदर इसका क्या इस्तेमाल होता है, कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस, यूट्रस को सिकुड़ने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल ब्लीडिंग और ये रक्त बहाव को भी नियंत्रण करता है। ठीक है गाइस, ये क्या करता है, जब फीमेल का जो प्रेग्नेंट रहती है 9 मंथ, जब उसको पेन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो उन दर्द को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे सिंटोसिन इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे फीमेल आई, इसको IM IV दोनों तरह से यूज़ करते हैं। IV इसको इन्फ्यूज़न दिया जाता है, स्लोली देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन अंदर जाता है फीमेल का दर्द और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब दर्द बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो यूट्रस को ऐसे सिकुड़ता है, और जैसे कि बच्चा यहाँ पे, वो जैसे यूट्रस सिकुड़ेगा तो बच्चों को वेजाइना की तरफ पुश करेगा बाहर। ठीक है, वो बच्चा ज़्यादा, अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चा बाहर इजीली पुश हो पाता है। तो जो फीमेल है उसका दर्द को बढ़ाने के लिए, पेन को इंक्रीज करने के लिए सिंटोसिन इंजेक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं। सिंटोसिन इंजेक्शन के अंदर ऑक्सीटोसिन पाया जाता है, कितने अमाउंट में रहता है, 10 IU IU, ठीक है, IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट पर ML, वन टाइम, एक बार ये दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सिंटोसिन के नाम से मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है, ऑक्सीटोसिन इसके अंदर पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को भी मेंटेन करता है, 10 IU per ML, 1 ML के अंदर 10 IU रहता है, वन टाइम, एक बार ये दिया जाता है गाइस। ठीक है, आई होप कि आपको सिंटोसिन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इंजेक्शन हमारा आता है वो था पीटोसिन। ये भी बहुत फेमस ब्रांड है, ये भी सेम कंपोजिशन सेम यूज़। ये देखो पीटोसिन इंजेक्शन है, इसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन पाया जाता है, 10 IU per ML। ठीक है, इसमें 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन होता है पर ML में, 1 ML के अंदर 10 यूनिट्स होता है। इसके अंदर सेम ऑक्सीटोसिन पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को सिकुड़ने का काम करता है, यूट्रस यदि सिकुड़ेगा तो बच्चा इजीली बाहर पुश हो पाता है, दर्द पे ML के बढ़ जाते हैं इससे। ठीक है, डोज सेम रहेगा, 10 IU एक बार दिया जाता है। ठीक है, इसको IM IV दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, IV इन्फ्यूज़न इसको दिया जाता है, इन्फ्यूज़न फॉर्म में इसको हम लोग देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पीटोसिन भी एक फेमस ब्रांड है, ऑक्सीटोसिन इसके अंदर पाया जाता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट, ये भी दर्द को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है, इंजेक्शन आता है, वो होता है मेथार्जिन। मेथार्जिन इंजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लेबर रूम के अंदर। इसके अंदर मिथाइलर गोमेट्रिन होता है। ठीक है, मिथाइलर गोमेट्रिन इसके अंदर पाया जाता है। मिथाइलर गोमेट्रिन क्या होता है, एक ड्रग्स होल्ड होता है जिसके अंदर ये पाया जाता है, कंपोजिशन मिथार्जिन इंजेक्शन होता है। ये कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, जब फीमेल की जब डिलीवरी हो जाती है तब डिलीवरी के बाद जो एक्सेस ब्लीडिंग होती है ना, उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कहते हैं, डिलीवरी के बाद रक्त बहाव को, ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर अबॉर्शन। अब इसका अबॉर्शन में भी यूज़ होता है लेबर रूम के अंदर। मान लीजिए फीमेल का यदि अबॉर्शन हुआ है तो अबॉर्शन के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। 0.2 mg per ml। ठीक है, इसके अंदर जो कंटेन होता है 0.2 mg per ml, 1 ml के अंदर 0.2 mg होता है, वन टाइम, एक टाइम इसको दिया जाता है। ठीक है गाइस, 0.2 mg लिखा हुआ है यहाँ पे, मिथार्जिन मिथाइलर गोमेट्रिन इसके अंदर जो कंपोजिशन इसका पाया जाता है। ठीक है गाइस, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो कि लेबर रूम के अंदर यूज़ होता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मेथार्जिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन, देखो
अब जो मेथार्जिन इंजेक्शन है ना, अब इसके बाद इसके सेम टैबलेट फॉर्म भी आती है, हालांकि लेबर रूम में नहीं होती, बट आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड की है मेथार्जिन की जो ये टैबलेट आपको दिख रही है। अब ये फीमेल को जब जब या तो उसका अबॉर्शन हुआ है या उसकी डिलीवरी हुई है उसके बाद फीमेल को ये दी जाती है। एक टैबलेट लेने की सजेशन 0.2 mg की टैबलेट दिन में 2 बार लेने की सजेशन देते हैं ताकि ब्लीडिंग उसकी कंट्रोल में रहे, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी फीमेल को 2-3-4 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए गाइस मेथार्जिन टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये टेबलेट होती है मेथार्जिन टेबलेट, ठीक है, मेथाइलर गोमेट्रिन इसके अंदर पाया जाता है, ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी के बाद इसको यूज करते हैं। 0.2 mg की टेबलेट होती है, दिन में 2 टाइम इसको दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लेबर रूम का जो इंजेक्शन होता है वो होता है कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट ये देख सकते हो आप लोग, कार्बोप्रोस्ट, ठीक है, इस कार्बोप्रोस्ट 1 ml का इंजेक्शन होता है, कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन, ठीक है, ट्रोमेथानिन इसके अंदर जो कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट है ये लिखा हुआ कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन इंजेक्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस को ये भी सिकोड़ने का ही काम करता है। आफ्टर एबोर्शन भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बिफोर द एबॉर्शन, आफ्टर क्या, बिफोर द एबॉर्शन, यदि किसी फीमेल का एबॉर्शन करना है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये इंजेक्शन लिखा हुआ है यूज फॉर IM ओनली, इंट्रामस्कुलरी देते, वीन्स या शिराओं में नहीं लगाते, इसको कमर पे जो मसल्स होती है उसके अंदर इसको लगाया जाता है। ये लिखा हुआ है पढ़ लिया करो, यूज फॉर IM ओनली, IM मतलब इंट्रामस्कुलर ही देना है, IV नहीं दे सकते इसको, ठीक है। तो कार्बोप्रोस्ट के नाम से होता है, कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन इसके अंदर कंपोजिशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस को सिकोड़ने का काम करता है और एबोर्शन के पहले भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। डोज 125 mcg पर ml, mcg का मतलब माइक्रोग्राम, मिलीग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, mg की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, माइक्रोग्राम mcg पर ml, 1 टाइम इसको देते हैं, सॉरी बैक हो गया, 125 mcg माइक्रोग्राम, ठीक है, 1 ml में 125 mcg होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कार्बोप्रोस्ट 125 mcg, क्लियर है, कार्बोप्रोस्ट के नाम से मिलता है, कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन इसके अंदर कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन आता है वो होता है सर्वी प्राइम। अभी जो सर्वी प्राइम जो ये जेल होती है गाइस, ठीक है, सर्वी प्राइम क्या होती है, जेल होती है 0.5 mg, ठीक है, इसके अंदर जो होता है डाइनोप्रोस्टोन होता है, ठीक है, डाइनोप्रोस्टोन इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है, ये जेल होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको जो जननांग होते हैं उसके अंदर लगाया जाता है, इससे क्या होता है जो सर्विक्स होता है वो डायलेट होता है, सर्विक्स डायलेट का मतलब वो खुलता है, ठीक है, तो जिससे बच्चा इजीली बाहर पुश हो पाए, डायलेट हो जाएगा, खुल जाएगा, सर्विक्स डायलेशन, सर्विक्स को डायलेट किया जाता है इस जेल के द्वारा, ठीक है, ये डिलीवरी के पहले लगाई जाती है। 0.5 mg लगाते हैं, 1 टाइम एक बार यूज करते हैं, इजीली उससे डायलेट होने लग जाता है वो, ठीक है, ये क्लियर है। सर्वी पेन, ठीक है, सर्वी प्राइम, सर्वी प्राइम का मतलब होता है सर्विक्स को डायलेट करना, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है डाइनोप्रोस्टोन होता है, ठीक है, डाइनोप्रोस्टोन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, सर्विक्स को डायलेट करता है, ये इस तरह का जेल आता है। नेक्स्ट एपिडोसिन इंजेक्शन, एक एपिडोसिन इंजेक्शन क्या होता है, एपिडोसिन के अंदर वेल्थामेट ब्रोमाइड होता है, वेल्थामेट ब्रोमाइड इसके अंदर जो ड्रग को सोल्ट होता है कंपोजिशन होता है वो होता है वेल्थामेट ब्रोमाइड। अब ये वेल्थामेट ब्रोमाइड का क्या यूज है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब पोस्ट मतलब पहले, ऑपरेटिव ऑपरेशन के पहले जो दर्द होता है ना उसको कम करने के लिए इसको यूज करते हैं, बिफोर द सर्जिकल डिलीवरी। अब मान लीजिए कोई फीमेल है, उसको पेन स्टार्ट हो गए, ठीक है, अब वो बच्चा पुश हो ही नहीं रहा है, उसको सर्जरी करनी पड़ेगी, तो एनेस्थीसिया तो देते हैं पर ये इंजेक्शन का भी यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, जो फीमेल को पहले दर्द होने लगता है उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उससे दर्द रुकता है, फिर फीमेल का यूट्रस को सॉरी ऊपर जो कट लगा के सीजर करते हैं और उससे बेबी को बाहर निकाल जाता है। 1 टाइम इसको यूज किया जाता है, एपिडोसिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, ये भी लेबर रूम के अंदर अवेलेबल रहता है, वेल्थामेट ब्रोमाइड के नाम से मिलता है। नेक्स्ट और आखिरी जो इंजेक्शन होता है ड्रोटीन। अब आप बोलोगे सर आप कुछ भी बोल रहे हो, ड्रोटीन इंजेक्शन तो पेन किलर का काम करता है, दर्द को रोकता है, ठीक है, दर्द को बंद करता है, ड्रोटीन की टेबलेट भी आती है गाइस, ठीक है, तो
इसके अंदर जो होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका यूज़ होता है फास्ट बर्थ या स्टमक पेन में। तो हमको पता है कि पेट दर्द में फीमेल को यूज़ किया जाता है ड्रोटीन इंजेक्शन, बट ये फास्ट बर्थ के लिए भी आप गूगल पे जाना और अगर सर्च करके देखना ड्रोटीन इंजेक्शन यूज इन लेबर रूम, लेबर रूम के अंदर ड्रोटीन इंजेक्शन का क्या यूज होता है, तो फास्ट डिलीवरी। यदि फीमेल को डिलीवरी थोड़ा फास्ट करना है, जल्दी करना होती है, कोई रीजन की वजह से बेबी की धड़कनें बढ़ गई है तो डिलीवरी को फास्ट करना है, तो वो जो रेट है जो डिलीवरी जो हो रही है नॉर्मल, उसकी रेट को बढ़ा देता है ड्रोटीन इंजेक्शन। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लेबर रूम के अंदर। चाहो तो आप गूगल पे भी इस चीज को सर्च कर सकते हो, ड्रोटीन इंजेक्शन यूज इन लेबर रूम, लेबर रूम के अंदर जो ड्रोटीन इंजेक्शन है वो डिलीवरी को फास्ट, उसके रेट को फास्ट कर देता है, बर्थ को यानी कि जन्म को जल्दी कर देता है। एक टाइम यूज करता है ड्रोटीन, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है ड्रोटावेरिन होता है और हाइड्रोक्लोराइड, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, याद रखना ड्रोटीन इंजेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइज। आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी, बगल में लिंक आ रही होगी, इस वीडियो को देखो और चैनल जाके देखो, बहुत सारी मेडिसिन से रिलेटेड, लेक्चर रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डली हुई है।